नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फर्जी आईपीएस बन सेवानिवृत्त कर्मचारी से ठगे 36.5 लाख रुपए फोन तक काटने नहीं दिया, साथियों ने ऐसे फंसाया। जी, साइबर ठगों ने फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर कुल्लू के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से 36.5 लाख रुपए ठग लिए। ठगी का पता चलने पर साइबर क्राइम पुलिस थाना मंडी में पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बता दें कि पुलिस को दी शिकायत में शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। उसे बताया गया कि उसका मोबाइल नंबर पोर्नोग्राफी और अवैध गतिविधियों में शामिल है। शिकायतकर्ता के नाम पर मुंबई में 17 FIR दर्ज होने के बारे में बताया गया। इसके बाद साइबर ठगों ने शिकायतकर्ता को एक एयरवेज कंपनी के संस्थापक से संबंधित कागजात भेजे। मैं इसमें शिकायतकर्ता के नाम पर बैंक में संदिग्ध खाता, फर्जी बैंक विवरणी, फर्जी ATM कार्ड आदि होने के बारे में बताया गया। इसके बाद साइबर ठगों ने शिकायतकर्ता को फर्जी सुप्रीम कोर्ट RBI के नाम पर फर्जी आदेश भी भेजे। मैं शिकायतकर्ता से एक लिखित इकरारनामा लिखकर भेजने को कहा गया कि जांच पूरा होने तक वह किसी से कोई बात नहीं करेगा। हिमाचल प्रदेश में ड्रोन भेजकर जासूसी कर रहा है चीन, मंत्री के दावे से हड़कंप। जी हां, हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिसमें चीन द्वारा भारत की सीमा में घुसपैठ और जासूसी की आशंका जताई जा रही है। दरअसल यहां किन्नौर की भारत चीन सीमा पर ड्रोन देखे जाने का दावा किया गया। यह दावा खुद हिमाचल सरकार के मंत्री जगत सिंह नेगी ने किया है। उनका दावा है कि किन्नौर जिले के पू ब्लॉक में सिपकिल्ला और ऋषि डोगरी गाँव में ड्रोन गतिविधि देखी गई है और उनका इस्तेमाल निगरानी और जासूसी उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। बता दें कि जगत सिंह नेगी किन्नौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं। नेगी ने कहा कि पिछले हफ्ते में सीमा क्षेत्र के पास बार बार कई ड्रोन उड़ते देखा गया और कई लोगों ने मुझे इसके बारे में सूचित भी किया है। हिमाचल को खैरात नहीं दे रहा केंद्र, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का JP नड्डा पर पलटवार। जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में IGMC अस्पताल में कैंसर केयर सेंटर के विस्तार का उद्घाटन किया। मैं इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज का कैंसर केयर सेंटर 5 मंजिला है जिसका कुल एरिया 2430 वर्ग मीटर है। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के वक्त ही हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में भी गिरावट देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार इसकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। हरियाणा में बन रही कांग्रेस की सरकार, क्योंकि CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताई ये बड़ी वजह। जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरियाणा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। मैं शिमला में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि BJP के 10 साल के शासन से परेशान होकर जनता ने कांग्रेस का साथ दिया है। मैं BJP का 10 साल का नाराजगी भरा शासन ही कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए काफ़ी है। सुक्खू सरकार को पेंशनरों ने दिया चेतावनी, मांगे न मानी तो करेंगे आत्मदाह। जी हां, हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच जिला इकाई हमीरपुर की बैठक चालक प्रशिक्षण केंद्र बस स्टैंड हमीरपुर में सोमवार को आयोजित की गई। वह बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अजमेर ठाकुर ने की। इस बैठक में विशेष तौर पर प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश, प्रदेश सचिव नंदलाल उपस्थित हुए। बैठक में पेंशनरों की समस्याओं को लेकर विशेष चर्चा की गई। वह पेंशनरों में प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर जल्द मांगे नहीं मानी तो वे आत्मदाह करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। सुक्खू सरकार को DA की एक किस्त देने को चाहिए इतने करोड़, CM पर 4 लाख पेंशनर्स कर्मचारियों की उम्मीद का दबाव। जी हां, हिमाचल में वित्तीय संकट में घिरी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की परेशानियां खत्म होते नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री ने 1 अक्टूबर को जैसे तैसे 1200 करोड़ की व्यवस्था करके 2.25 लाख कर्मचारियों के खाते में सैलरी तो डाल दी, लेकिन अब सरकार के सामने 9 अक्टूबर को पेंशनर्स के भुगतान की भी चुनौती है। प्रदेश में 2.25 लाख से अधिक पेंशनर्स की पेंशन के भुगतान के लिए सरकार को खजाने में अभी 800 करोड़ रुपये की रकम चाहिए। बता दें कि इस पर दिक्कत यह है कि देश भर में 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र के साथ ही फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है। मैं इसी महीने में दशहरा, करवा चौथ और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली तीनों ही प्रमुख पर्व मनाए जाने हैं। ऐसे में अक्टूबर महीने में जेब पर खर्च का भी अधिक बोझ पड़ता है, जिसके कारण सुक्खू सरकार पर 4 लाख पेंशनर्स और कर्मचारियों की DA की किस्त जारी करने का दबाव है। हिमाचल में कर्मचारियों की DA की 3 किस्तें पेंडिंग है, जिसके लिए सरकार को 1 किस्त के लिए करीब 580 करोड़ रुपये की जरूरत है। प्रदेश में लंबे समय से इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों ने भी सरकार को फेस्टिवल सीजन में DA की कम से कम 1 किस्त देने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है।
हिमाचल में उपभोक्ताओं से वसूली जाएगी पेंडिंग वाटर बिल की पाइप 12,000 लोगों को मिला नोटिस। जी हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्र में दी जा रही पानी की फ्री सुविधा को सरकार ने 1 अक्टूबर से बंद कर दिया है, जिसके बाद अब ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को इस महीने से 100 रुपये प्रति कनेक्शन के हिसाब से पानी के बिलों का भुगतान करना होगा। लेकिन प्रदेश में जिन उपभोक्ताओं ने मई 2022 में फ्री पानी की सुविधा मिलने से पहले के बिलों को जमा नहीं किया है, ऐसे उपभोक्ताओं से भी जल शक्ति विभाग ने पानी के बिल वसूलने जाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत करसोग जल शक्ति विभाग मंडल ने ऐसे करीब 12,000 उपभोक्ताओं को अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। हवा को छोड़कर सब चीजों पर टैक्स लगा रही सुक्कू सरकार, जयराम ठाकुर बोले टॉयलेट टैक्स की वजह से हिमाचल का बना मजाक। जी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 2 साल के कांग्रेस कार्यकाल में हिमाचल पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है, चाहे मस्जिद विवाद हो या शौचालय टैक्स। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में हवा को छोड़कर हर चीज पर टैक्स लिया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव से पहले प्रदेशवासियों को गारंटी दी और आज मुख्यमंत्री ने उन गारंटियों से मुंह मोड़ लिया है। सत्ता में आने के बाद सरकार ने सिर पे काम बंद करने की स्कीम चलाई हुई है। हिमाचल बिजली बोर्ड में 7,000 पद रिक्त जल्द भरने के लिए उठी मांग। जी हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिकल बोर्ड कर्मचारी यूनियन यूनिट बद्दी की बैठक विद्युत मंडल परिसर में हुई। प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर शर्मा ने प्रदेश सरकार बोर्ड प्रबंधन से मांग की है कि बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के लगभग 7,000 पद रिक्त हैं, उन पदों पर 25 मई 2023 को सर्विस कमेटी द्वारा स्वीकृत किए गए 1,030 पदों पर प्रक्रिया शुरू की जाए। यूनियन ने मांग की है कि बिजली बोर्ड में 132 केवी 33 उपकेंद्र का निर्माण हुआ है, उनमें नए पदों के बारे में प्रबंधक वर्ग को अवगत करवाया गया, मगर इसके बावजूद भी इन उपकेंद्रों को आउटसोर्स के टेंडर किए गए, जबकि यूनियन मांग करती है कि इन पदों पर सीधी भर्ती की जाए। हिमाचल के युवाओं को नहीं होगी नौकरी की समस्या, कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा रोजगार से जुड़ा विषय। जी हिमाचल सरकार स्कूलों के बाद उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है। महाविद्यालयों के प्रारूप में बड़ा बदलाव होगा, यहां औद्योगिक रोजगार के अनुरूप विषय शुरू होंगे। बता दें कि इनका पाठ्यक्रम भी इसी के अनुरूप तैयार किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को डिग्री लेने के बाद नौकरी मिल सके। महाविद्यालय ही विद्यार्थियों को रोजगार दिलाने में सहायता करेंगे। बता दें कि विभाग बदलाव का पूरा खाका तैयार करेगा, हालांकि बदलाव नए शैक्षणिक सत्र से लागू किए जाएंगे। हिमाचल में पर्यटकों के लिए राहत भरी खबर, अब बैरियर पर नहीं लगानी होगी लाइन, फास्टैग से कटेगा शुल्क। जी हाँ हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वारों में बैरियर पर अब पर्यटकों को लंबी कतारों से मुक्ति मिलने वाली है। बैरियर पर फास्टैग से वाहन शुल्क कटेगा। बता दें कि राज्य सरकार ने कंपनी चयन के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं कराधान विभाग इसी वित्त वर्ष में नई प्रणाली शुरू करेगा। मैं चयनित कंपनी सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, ऊना व कांगड़ा जिलों के बैरियर पर काम करने वाली कंपनियों को फास्टैग उपलब्ध करवाएगी। मैं सरकार को अभी बैरियर की नीलामी से वार्षिक 150 करोड़ रुपये का शुल्क प्राप्त होता है। खुशखबरी, शिमला में दौड़ेंगी लग्जरी बसें, 114 पुरानी बसों को टाटा बाय बाय करने जा रहा निगम। जी हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें अब बीच सफर में नहीं हाँपेंगी। मैं निगम अपने बेड़े से 20 लग्जरी और 114 साधारण बसों को हटाकर इनके स्थान पर नई बसों को शामिल करेगा। बता दें कि ये बसें 15 वर्ष पुरानी हो चुकी है, मैं इनकी माइलेज भी कम है। मैं निगम प्रबंधन ने प्रदेश के सभी डिपुओं से इसका ब्यौरा मांगा था, यह ब्यौरा आने के बाद अब इनके स्थान पर नई बसों को शामिल किया जाएगा। मैं इनमें 40 तो शिमला डिपो की ही होगी। शिमला और सोलन के युवाओं के लिए खुशखबरी, 28 पदों के लिए भर्ती मिलेगी इतनी सैलरी। जी हाँ शिमला और सोलन के युवाओं के लिए नौकरी का मौका है। जिला रोजगार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने बताया कि मैसर्चे सिस्केम फार्मोक्रेट से सोलन में 4 पदों के लिए और मैसर्चे इवान सिक्योरिटी शिमला में 24 पदों के लिए 9 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे कैंपस इंटरव्यू जिला रोजगार कार्यालय सोलन में होंगे। बता दें कि मैसर्चे सिस्केम फार्मोक्रेट्स में शैक्षणिक योग्यता बी फार्मा एम फार्मा और 22 से 24 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। एमएसएच इवान सिक्योरिटी में सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, ट्रेनी, मैन्युफैक्चरिंग और भर्ती अधिकारी के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं, बीए, एमबीए और आयु सीमा 22 से 37 वर्ष रखी गई है। इन पदों के लिए वेतनमान 9,000 से 16,000 प्रतिमाह निर्धारित किया गया। बता दें कि इच्छुक उम्मीदवार विभागीय पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत करने के बाद आवेदन कर सकते हैं। में आवेदक का नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
आईजीएमसी में पेट स्कैन के लिए 20 करोड़ टर्सरी से कैंसर केयर सेंटर का नए ब्लॉक शुरू। जी हां, आईजीएमसी शिमला के टर्सरी कैंसर केयर सेंटर के नए ब्लॉक का सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुभारंभ किया। अब मंगलवार से मरीजों को यहां पर ही ओपीडी सेवाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। बता दें कि 5 मंजिला इस ब्लॉक को बनने में 13 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आई है। मैं अस्पताल जाने वाली मुख्य सड़क के साथ बनी 4 मंजिल की नई ओपीडी में प्रवेश करते ही मरीजों को उपचार मिलना शुरू हो जाएगा। बता दें कि भवन में मरीजों की सुविधा के लिए इंक्वायरी काउंटर, आयुष्मान और हिम केयर काउंटरों की सुविधा भी उपलब्ध की गई है। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मिलेगी वित्तीय साक्षरता, करियर और जीवन कौशल की शिक्षा। जी, शिमला समग्र शिक्षा ने स्कूली शिक्षा की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता, करियर की समझ, जीवन कौशल की शिक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है। इसके लिए समग्र शिक्षा हिमाचल ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ एक करार यानी कि MOU किया है। यही नहीं, इसके साथ ही 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड लागू किया जाएगा। 6ठी सप्तमी और अष्टमी को 24 घंटा खुला रहेगा ज्वालामुखी मंदिर। 3 नवरात्र में चढ़ा अकेशलक चढ़ावा। जी हां, शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में 7 दिन आश्विनी नवरात्रि के दौरान 6ठी सप्तमी और अष्टमी को मंदिर 24 घंटे श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खुला रहेगा। बता दें कि मंदिर प्रशासन ने 3 दिनों के लिए सभी व्यवस्थाओं के लिए प्लान कर लिया है और सेवादारों की ड्यूटी भी निर्धारित कर दी है। वहीं 3 दिन तक मंदिर केवल भोग प्रसाद और पूर्व निर्धारित आरतियों के लिए ही बंद रहेगा, वे बाकी समय मंदिर खुला रहेगा। शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में 5वें नवरात्र के दिन संकंद माता की पूजा अर्चना की गई। हिमाचल पंजाब में अधिकार की जंग, सानल प्रोजेक्ट में उग रही झाड़ियां, जाने पूरा मामला। जी हां, पंजाब और हरियाणा के बीच 110 मेगावाट के सानल विद्युत परियोजना के मालिकाना हक की लड़ाई इसके उपकरणों, मशीनरी के रखरखाव पर भारी पड़ रही है। बता दें कि मालिकाना हक के लिए चल रही वर्चस्व की जंग में पन विद्युत परियोजना बदहाल हो गई है। 132 kV सब स्टेशन में झाड़ियां उग गई है, इससे हादसों की आशंका बढ़ रही है। परियोजना की तरफ जाने वाली सड़क कई सालों से गड्ढों में बदल गई है। सरकारी आवास सहित विद्युत उत्पादन के लिए बने भवन भी खंडहर हो गए हैं। मेहरानी की बात यह है कि सालाना 200 से 300 करोड़ आमदनी हिमाचल के पानी से जुटाने के बाद भी परियोजना बदहाली के आंसू बहा रही है। जोगिंदर नगर से करीब 1 किलोमीटर दूर मंडी पठानकोट हाईवे से परियोजना स्थल के लिए बनी सड़क पर 2 फीट गहरे खड्डे पड़ गए। इससे गाड़ियां हिचकोले खाते हुए गुजर रही है, पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। परियोजना के अधीक्षण अभियंता कार्यालय से 100 मीटर दूरी पर स्थित 132 kV के सब स्टेशन झाड़ियों से घिर गया। मैं रेलवे स्टेशन से सानंद तक बिछाई रेल पटरी भी झाड़ियों से दब गई है। औषधीय व विलुप्त हो रहे पौधों से महकेंगे 75 स्कूल, विकसित होंगे हर्बल गार्डन। जी, हिमाचल प्रदेश के 75 स्कूल जल्द ही औषधीय और विलुप्त होती प्रजातियों के पौधों से महकेंगे। में हर्बल गार्डन विकसित करने के लिए आयुष विभाग ने चयनित स्कूलों को 18,75,000 रुपये जारी कर दिए हैं। बता दें कि हर स्कूल को 25,000 रुपये का बजट दिया है। में स्कूल परिसर के 500 वर्ग मीटर भूमि पर पौधे लगाए जाएंगे। में हर स्कूल को 4 साल तक 7,000 रुपये का वार्षिक रखरखाव अनुदान भी मिलेगा। बता दें कि स्कूलों को अपने परिसरों में हर्बल गार्डन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य औषधीय पौधों की खेती करना, उनके उपयोग के बारे में छात्रों के ज्ञान को बढ़ाना और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना है। सुन मेरी बिल्लो, टमाटर 140 रुपये किलो सब्जियों के दाम ने निकाला आम आदमी का दम। जी हां, त्योहारी सीजन के बीच रसोई महंगाई की उस दहलीज पर पहुंच चुकी है जहां पर आम आदमी का पहुंचना नामुमकिन है। मैं समस्त हिमाचल में इस वक्त रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है। मैं रसोई की शान कहे जाने वाला टमाटर अब मध्यम वर्ग के लिए सपने जैसा हो गया है। महज 3 दिनों में ही टमाटर के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बता दें कि सोमवार को कांगड़ा में टमाटर के दाम कांगड़ा में 130 से 140 रुपये रहे, जबकि हमीरपुर शहर में 120 रुपये प्रति किलो रहे। मैं अचानक बढ़े दामों की वजह से दुकानदार भी परेशान है। मैं जो दुकानदार पहले रोजाना 2 से 3 क्रेट टमाटर उतार रहे थे, वे अब मात्र 1 ही क्रेट उतार रहे हैं। वह लगभग 4 दिन पहले जो क्रेट 1800 रुपये दुकानदारों को सब्जी मंडी से मिल रहा था, वह उसके दाम अब लगभग 2300 रुपये हो गए। वह टमाटर के दामों ने ग्राहकों को भी परेशान कर दिया है। वह पहले जो ग्राहक 1 किलोग्राम टमाटर खरीद रहा था, वो अब बढ़े हुए दामों में मात्र आधा 250 ग्राम टमाटर ही खरीद रहे हैं। मैं कई रसोई घरों में अब टमाटर के तड़के की खुशबू आना भी बंद हो गई है।
मालदीव में चलेगा भारत का रुपए कार्ड, लोकल करेंसी में होगा कारोबार, दोनों देशों के बीच एमओयू साइन। जी हाँ, भारत और मालदीव ने अपने द्विपक्षीय सहयोग को समग्र आर्थिक एवं समुद्री सुरक्षा साझेदारी के रूप में आगे बढ़ाने की घोषणा करने के साथ ही मुक्त व्यापार समझौता करने और स्थानीय मुद्राओं में कारोबार करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुजू के बीच सोमवार को यहाँ हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय शिखर बैठक में यह निर्णय लिए गए। दोनों नेताओं ने भारतीय सहयोग से निर्मित हानिमाथु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे और 700 से अधिक की आवास का उद्घाटन किया तथा मालदीव में रुपे कार्ड का भी शुभारंभ किया। इसरो से आया समेज हादसे का सैटेलाइट डाटा। जी, इस बरसात में गत 31 जुलाई की रात को रामपुर के समेज में आए सैलाब के प्रमाण मिल गए। हिमाचल सरकार को इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से सारा सैटेलाइट डाटा आ गया। इस डाटा से पता चलता है कि श्रीखंड कैलाश के रास्ते में फटे बादल के कारण 3 खड्डों के एक साथ सैलाब आया था। इस बाढ़ में पानी की स्पीड इतनी तेज थी कि इसे रोकना किसी भी तरह के स्ट्रक्चर के लिए असंभव था। सैटेलाइट की तस्वीर बताती है कि कई जगह जहां समेज खड्ड का दायरा 35 किलोमीटर तक ही था, वहां बाढ़ के बाद कई जगह चौड़ाई 115 मीटर हो गई थी। यह डाटा सैटेलाइट से मिलने के बाद राज्य सरकार इस प्राकृतिक आपदा को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। हिमाचल का आपदा प्राधिकरण इस सैटेलाइट डाटा को भी जनरल पब्लिक से शेयर करेगा। 31 जुलाई 2024 की रात को एक साथ समेज खड्ड, कुरपन और गानवी खड्ड में बाढ़ आई थी। गानवी में इतना नुकसान किसी जान का नहीं हुआ, लेकिन समेज में पूरा गांव ही भाग गया था और 36 लोग या तो लापता है या जान गंवा चुके हैं। धर्मशाला नूरपुर में खुलेंगे 2 नए पेट्रोल पंप, एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने चिन्हित की जमीन। जी, प्रदेश के धर्मशाला और नूरपुर में 2 नए सरकारी पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। इनके लिए जमीन का चयन कर लिया गया है। वह सरकारी एजेंसी एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसका खाका तैयार कर लिया है। बताया जाता है कि नूरपुर के जांच में पेट्रोल पंप लगाया जाएगा। वह धर्मशाला में भी जमीन चिन्हित कर ली गई है, जहां पर पेट्रोल पंप के साथ एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का कार्यालय भी खुलेगा। अभी तक निगम के 4 पेट्रोल पंप चल रहे हैं, जो कि सोलन जिला के नालागढ़, मंडी के खेलग, कांगड़ा के ज्वालाजी और पालमपुर में स्थापित है, जिनसे काफी अच्छा कारोबार एग्रो इंडस्ट्रीज कर रहा है। कंपार्टमेंट में फेल छात्रों को मार्च में गोल्डन चांस। जे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से जुलाई कंपार्टमेंट परीक्षाओं में फेल 10वीं व जमा 2 के छात्रों को मार्च में गोल्डन चांस प्रदान किया जाएगा। वह कंपार्टमेंट पास करने वाले छात्रों के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से अब मात्र 2 अवसरों में ही कंपार्टमेंट पास होने का मौका उपलब्ध करवाया जा रहा है। हालांकि 2 नियमित मौकों के बाद छात्रों के पास स्टेट ओपन स्कूल SOS में भी सब्जेक्ट कंपार्टमेंट पास करने का चांस रहेगा। बता दें कि SOS की भी मार्च में ही होंगी, जबकि उसके बाद सितंबर में आयोजित की जाएगी। हालांकि ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट सुविधाओं के तहत छात्र मात्र कंपार्टमेंट विषय को पास करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। वहीं अब अगस्त में घोषित 10वीं व जमा 2 कंपार्टमेंट में फेल होने वाले हजारों छात्र को अब मार्च में फाइनल परीक्षाओं के साथ ही अपने रीअपियर विषय को पास करना होगा। वह स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं व जमा 2 के कंपार्टमेंट वाले छात्रों का वर्ष बचाने के लिए इस बार सितंबर की बजाय जुलाई में ही परीक्षाएं करवा ली गई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी करने पर युवाओं में मारपीट। जब जिला कांगड़ा के उपमंडल इंदौरा में स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत एक छात्र द्वारा कथित रूप से पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी को लेकर स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिस पर आहत छात्रों ने टिप्पणी करने वाले छात्र से मारपीट की। वहीं मारपीट में शामिल समुदाय विशेष के छात्रों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वहीं पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर भी पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का छात्र पर मामला दर्ज किया है। सूत्रों की तो सोशल मीडिया पर बहुसंख्यक वर्ग के कुछ लोगों द्वारा इस मामले में हिंदू छात्र पर दर्ज हुए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में नाराजगी व्यक्त की है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि उक्त शिक्षण संस्थान के एक छात्र ने संस्थान के ही 2 छात्रों को नामजद करवाते हुए उनके साथ 5-6 अन्य छात्रों पर उसमें पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट का आरोप लगाया, जिस पर उसकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं समुदाय विशेष के युवकों ने पुलिस को बताया कि उक्त छात्र ने अल्लाह के नबी को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस पर उनकी भावनाएं आहत हुई है। पुलिस ने दोनों मामले दर्ज कर लिए हैं। आगामी कार्रवाई जारी है।
हिमाचल में है 529 भालू व 510 तेंदुए। जी हिमाचल प्रदेश में भालुओं की संख्या 529 के करीब है जबकि तेंदुए की संख्या 510 के करीब पाई गई है। राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 101 से अधिक भालू व 2 तेंदुए हैं। यह बात ZSI के शुरुआती अध्ययन में सामने आई है। मैं इसकी जानकारी वन मुख्यालय में वाइल्ड लाइफ सप्ताह के तहत आयोजित सेमिनार में ZSI के वैज्ञानिक डॉक्टर भीमदत्त जोशी ने दी। उन्होंने बताया कि लाहौल घाटी में वन्य जीवों व मनुष्य के बीच अधिक टकराव की घटनाएं पाई गई है क्योंकि वहां पर जंगलों के करीब ही लोगों द्वारा खेती की जा रही है। मैं अब तक प्रदेश में वन्य जीवों व मनुष्यों के बीच टकराव की 12,703 घटनाएं हो चुकी है। उन्होंने बताया कि ZSI वर्ष 2022 से हिमाचल में अध्ययन कर रहा है। इसके तहत पहले वन विभाग के 1942 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया तथा प्रदेश के हर क्षेत्र से नॉन इनवेसिव सैंपल लिए तथा उनके DNA की जांच के बाद भालू व तेंदुए की संख्या का अनुमान लगाने का प्रयास किया। अग्निपथ योजना भर्ती के तहत कांगड़ा चंबा जिला से कार्यालय सहायक के स्टोर कीपर तकनीकी का परिणाम घोषित। जी हां, सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर के भर्ती निदेशक कर्नल मनीष शर्मा यानी कि सेना मेडल ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि अग्निवीर कार्यालय सहायक के स्टोर कीपर तकनीकी ऑनलाइन लिखित परीक्षा व शारीरिक परीक्षा का फाइनल परिणाम घोषित कर दिया गया है जिसमें से कुल 22 उम्मीदवार चयनित हुए हैं। वह चयनित उम्मीदवार अपना परिणाम भारतीय सेना के आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर देख सकते हैं। और सभी चयनित उम्मीदवारों से अनुरोध है कि दिनांक 8 अक्टूबर 2024 को सुबह 8 बजे सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर में दस्तावेज संबंधित आगामी कार्यवाही हेतु अनिवार्य रूप से उपस्थित हो। मस्जिद कमेटी अपने खर्च से तोड़ेगी मंजिलें, वक्फ बोर्ड नहीं देगा पैसा। जी हां, शिमला के संजोली मस्जिद में अवैध रूप से बनाई गई 3 मंजिलें मस्जिद कमेटी को खुद अपने खर्च पर तोड़नी पड़ेगी। मैं इसके लिए वक्फ बोर्ड पैसा नहीं देगा। मैं बोर्ड का कहना है कि यह निर्माण मस्जिद कमेटी ने ही किया है। मैं इसे तोड़ने का आदेश भी कोर्ट ने कमेटी को ही दिया है। ऐसे में कमेटी अपने खर्च पर इसे गिराएगी। हालांकि अवैध निर्माण गिराने का काम वक्फ बोर्ड की निगरानी में ही किया जाएगा। बोर्ड के अनुसार कब से यह काम शुरू करना है इसकी सूचना कमेटी को देनी होगी। बता दें कि उधर मस्जिद कमेटी ने भी अपने सदस्यों से चंदा जुटाकर इसे गिराने की तैयारी कर ली है। वह कमेटी का कहना है कि आयुक्त कोर्ट के विस्तृत आदेशों की कॉपी मिलने के बाद मौके पर अवैध निर्माण गिराने का काम शुरू कर दिया जाएगा। वह नगर निगम आयुक्त कोर्ट के फैसले के अनुसार संजोली में 5 मंजिला मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिला गिराई जानी है। वह मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि कमेटी इसे गिराने के लिए तैयार है। वह कोर्ट के आदेशों का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व DGP समेत 10 पुलिस अफसरों के खिलाफ जांच से CID का इनकार। जी पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP संजय कुंडू सहित 10 पुलिस अफसरों के खिलाफ प्रताड़ना के आरोप से संबंधित मामले में CID ने जांच करने से इनकार कर दिया है। वैसे CID ने इस बारे में पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा है कि इसमें कहा गया है कि यह जाँच किसी अन्य जाँच एजेंसी से कराई जाए। हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय को लिखे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इस मामले के आरोपितों में एक आरोपी अधिकारी CID में सेवारत है। वह लिखे पत्र में इसके अलावा भी CID ने जांच न करने के कई कारण बताए। वैसे CID की तरफ से लिखा गया है कि निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए इस मामले की जांच किसी अन्य एजेंसी को करनी होगी। आखिरकार सरकार ने ओसिन शर्मा को दी तैनाती। इन टोटल 12 HPS अफसरों के तबादले नियुक्ति आदेश। जी हां, हिमाचल सरकार ने आखिरकार HAS अधिकारी ओसिन शर्मा को तैनाती दे ही दी है। मैं आज जारी हुए आदेशों में इन टोटल 12 HAS अफसरों के तबादले व नियुक्ति आदेश जारी हुए हैं। मैं दरअसल ओसिन शर्मा को सरकार ने पिछले दिनों संधोल से तबादला आदेश तो थमा दिए थे लेकिन उन्हें कहीं पर पोस्टिंग नहीं दी गई थी। मैं ओसिन शर्मा सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव रहती है, उन पर सरकारी कार्यों में देरी के आरोप लगे। मैं खैर आज सरकार ने जब 12 HPS अधिकारियों के तबादला व पोस्टिंग आदेश जारी किए तो ओसिन शर्मा को भी पोस्टिंग दी गई। मैं अब 2021 बैच की HPS अधिकारी ओसिन शर्मा को भाषा कला और संस्कृति विभाग में सहायक सचिव के रूप में तैनाती दी गई है। अपनी ही पंचायत के खिलाफ DC दरबार पहुंचे बसाल के लोग, आखिर क्या है पूरा माजरा। जी ऊना जिला मुख्यालय की सीमावर्ती ग्राम पंचायत बसाल के ग्रामीण सोमवार को अपनी ही पंचायत के खिलाफ DC कार्यालय ऑफिस पहुंच गए। मैं दरअसल ग्रामीणों ने पंचायत पर उन्हें धोखा में रखकर एक साथ 4 क्रशर उद्योगों को NOC देने का आरोप लगाया। मैं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि हाल ही में हुई ग्राम सभा की बैठक के दौरान ग्रामीणों को डस्टबिन बताकर कोरम पूरा करवा लिया गया, जबकि क्रशर उद्योगों को
एनओसी देने के संबंध में किसी भी ग्रामीण से कोई चर्चा नहीं की गई। उनका आरोप है कि इसी पंचायत में पहले ही दिन क्रशर उद्योग चल रहे हैं और अब एक बार फिर चार क्रशर उद्योग लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ है। ग्रामीण ने प्रशासन को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए यह एनओसी रद्द नहीं की तो ग्रामीणों को सड़क पर उतरने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसमें फिर उनके साथ गांव की महिलाएं और बच्चे भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।